एक ऐसी पुरइसरार किताब जिसको पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर इसको कत्ल कर दिया जाता है। और ये बात कितनी सच है कि ये किताब दुनिया की सबसे खतरनाक किताब है, और दुनिया के बहुत सारे मुमालिक में इस किताब को पढ़ने पर पाबंदी क्यों आयत की गई। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको एक ऐसी शैतानी किताब के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस शैतानी किताब को क्यों तहरीर करवाया गया और इस किताब के लिखने का मकसद क्या था, और शैतान इस किताब को तहरीर करवा कर क्या कुछ हासिल करना चाहता था। प्यारे दोस्तों, शम्सुल मारूफ ये एक ऐसी किताब है जिसको जादुई दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है। इस किताब को 6वीं सदी हिजरी में अरबी जबान में तहरीर किया गया। इस किताब को तहरीर करने वाले शख्स के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक इस मुसन्निफ़ का नाम शरफुद्दीन या शहाबुद्दीन है, और बाज़ रिवायात के मुताबिक इसके मुसन्निफ़ का नाम अहमद अलगुनी है। प्यारे दोस्तों, अलगुनी एक ऐसा शख्स था जो जादू और अमलियात में बे इंतहा महारत रखता था। प्यारे दोस्तों, इस किताब में रूहानी अमलियात और जिन्नात को काबू करने और नाजायज तरीके से मालो दौलत इकट्ठा करने के बारे में बेशुमार अमलियात व वज़ायफ दर्ज ज़ैल हैं। ये अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में एक अलग मकाम रखती है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे मुमालिक में ये किताब मुतनाज़े है, और मुतनाज़े होने की वजह से इस किताब के पढ़ने पर पाबंदी आयद है। प्यारे दोस्तों, इस किताब के बारे में कहा जाता है कि जब इस किताब को तहरीर किया गया तो इसके तहरीर होने के 100 साल बाद तक ये किताब किसी के भी काम की ना रही, क्योंकि जो कोई भी शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता या तो फिर वो मजनू हो जाता या फिर जिन्नात इस पर हावी होकर इसको कत्ल कर देते। 100 साल तक इस किताब का सिर्फ एक ही नुस्खा था। फिर इसके बाद एक नामालूम शख्स की तरफ से इस किताब में बहुत सारे रद्दोबदल किए गए। इस किताब के बहुत सारे नुस्खे तैयार किए गए। इस किताब में रद्दोबदल करने की ये वजह थी क्योंकि मुसन्निफ़ की जानिब से इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे अमलियात लिखे हुए थे जिन अमलियात की मदद से इंसान बहुत बड़े बड़े ताकतवर जिन्नात को अपने कब्ज़े में कर सकता था। इसी वजह से जिन्नात इस किताब की हिफाजत किया करते थे, और जो कोई भी शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता या तो फिर जिन्नात इसको पागल कर देते या फिर इसको कत्ल कर दिया जाता, ताकि कोई भी इंसान इस किताब को पढ़ ना सके और ना ही जिन्नात को अपने काबू में कर सके। रिवायात में आता है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद एक अजनबी आमिल की तरफ से इस किताब में से इन नुस्खों को निकाल दिया गया जिन नुस्खों की वजह से जिन्नात इंसान को कत्ल किया करते थे, लेकिन अब भी इस किताब में काले जादू और जिन्नात को कैद करने के बहुत सारे अमलियात मौजूद हैं। यही वजह है कि कोई भी इंसान इस किताब को ठीक तरह से समझ कर पढ़ नहीं सकता, और जो कोई भी शख्स इस किताब को समझने की कोशिश करता है वो पागलपन, मिर्गी या जुनून जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि 6वीं सदी हिजरी में ये किताब मोहम्मद बिन अली बिन जायद के कब्ज़े में आ गई। ये शख्स बहुत ही मालदार था, और मज़ीद माल के हुसूल के लिए इस शख्स ने एक बहुत बड़ी रकम अदा करके इस किताब को अपने कब्ज़े में ले लिया, ताकि वो इस किताब में मौजूद शैतानी अमलियात को पढ़कर मज़ीद मालो दौलत इकट्ठा कर सके। इस किताब को ख़रीदने वाले शख्स का ये बयान है कि जब भी वो इस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता तो इसके सामने एक सियाह रंग की अजीबुल खलकत मखलूक ज़ाहिर हो जाती, जिसकी जसामत की सियाही को देखकर और चेहरे पर छाई नहुसत को देखकर ये शख्स बेहोश हो जाता। इस शख्स ने बहुत दफ़ा इस किताब में मौजूद अमलियात को करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता। हर बार की नाकामी के बाद
इस शख्स ने इस किताब को एक आलिमे दीन के सुपुर्द कर दिया था। जिस दौर में भी ये किताब मौजूद थी, हर दौर में शयातीन और जिन्नात इस किताब की हिफाजत पर मामूर थे, क्योंकि इस किताब में तहरीर ऐसे अमलियात मौजूद थे जिसकी वजह से वो जिन्नात इंसानों की कैद में आ सकते थे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर वाकियात के बाद ये किताब एकदम से गायब हो गई और फिर इस किताब के बारे में किसी को कुछ इल्म ना था। और फिर अचानक से 7वीं सदी हिजरी में ये किताब अचानक से मंजरे आम पर आ गई। इस वक्त किताब के अंदर बहुत सारे मवाद के अंदर रद्दोबदल की जा चुकी थी। इस किताब को पढ़ने के लिए इंसान का अमलियात के अंदर माहिर होना ज़रूरी है। अगर आज के दौर में कोई शख्स बग़ैर अमलियात के इल्म के इस किताब को पढ़ता है, तो आज भी इस किताब के अंदर ऐसी अमलियात मौजूद हैं जो इंसान की जान के लिए ख़तरा बन सकती हैं, जिसकी वजह से इंसान या तो पागल हो सकता है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। क्योंकि अब तक इस किताब को जिसने भी पढ़ने की कोशिश की है, इसको बहुत सारी आफात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस किताब की अजीब बात यह है कि जो कोई भी शख्स इसको पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो अपने पहले की ज़िंदगी के बारे में भूल जाता है और इस बात को भी भूल जाता है कि इसने कौन सा ऐसा अमल किया था जिसके करने की वजह से जिन्नात इस पर हावी हुए थे और जिसकी वजह से ये मजनू हुआ था। प्यारे दोस्तों, इस किताब को पढ़ना या समझना नामुमकिन सी बात है, लेकिन तारीख के अंदर एक ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जो काफ़ी हद तक इस किताब को पढ़ने और समझने के अंदर कामयाब हो गया था। रिवायात के अंदर इस शख्स का नाम अलसाई बयान किया जाता है और ये शख्स अपने दौर के अंदर अलसाई के नाम से मशहूर हुआ। ये शख्स यमन के कदीम इलाके उदन में रहने वाला था और ये किताब 10वीं सदी हिजरी में इस शख्स को मिली। इस शख्स के मुताबिक जब इब्तिदा में इस किताब में मौजूद अमलियात पर अमल करने की कोशिश की गई, तो शयातीन और जिन्नात की तरफ से इस शख्स को रोका गया, क्योंकि इस शख्स ने ऐसे अमलियात पर अमल करने की कोशिश की थी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और मतरूब थे। शुरू शुरू में जिन्नात ने इस शख्स को अमलियात से बहुत रोकने की कोशिश की, क्योंकि इस शख्स का अमलियात से बहुत गहरा ताल्लुक था, लिहाजा ये शख्स जिन्नात से नहीं डरा और इसने अपने अमलियात को जारी रखा। और ये शख्स खूब जानता था कि जिन्नात की तरफ से इस पर कौन कौन से हमले होने वाले हैं, लिहाजा इसने अपने आप को इन हमलों के लिए पहले से तैयार कर रखा था और इसने पहले से ही बहुत सारी अमलियात कर रखे थे जिसकी वजह से शैतान इस पर हमला ना कर सके। यही वजह थी कि ये शख्स बड़े बड़े जिन्नात को अपने कब्ज़े में करने के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद जिन्नात ने इस शख्स को मात दे दी और ये जिन्नात को कैद करने में नाकाम हो गया। ये वो वाहिद और खुशनसीब शख्स था जो जिन्नात के हाथों बच निकला और जो कत्ल होने से बच गया। जब शयातीन ने इस शख्स पर हमला किया, तो ये शख्स बेहोश हो गया। होश में आने के बाद इस शख्स ने बताया कि हैरत अंगेज तौर पर वो इस बात को भूल चुका है कि इसने कौन सा ऐसा अमल किया था जिसके अमल करने की वजह से शैतान इस पर हमला आवर हुए, और वो किताब का कौन सा हिस्सा है और कौन से अल्फाज थे जो बेहोश होने से पहले ये पढ़ रहा था। होश में आने के बाद इस शख्स की जान तो बच गई, लेकिन इस शख्स की हालत ये थी कि ये अपनी पहली ज़िंदगी में होने वाले वाकयात के बारे में कुछ खबर नहीं रखता था और वो सब कुछ भूल चुका था। प्यारे दोस्तों, बाज़ मुसन्निफीन की तरफ से ये दावा किया जाता है कि इस किताब को शैतान ने खुद किसी अजनबी शख्स के जिस्म में दाखिल होकर और इसके जिस्म पर कब्ज़ा करके लिखवाई थी, ताकि इंसान माल और दौलत की लालच में और हवस में मुब्तला होकर इस किताब में मौजूद खिलाफ़ शरह अमलियात पर अमल करके अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत से दूर होकर कुफ्र व शिर्क के अंदर मुब्तला होकर मर जाएं और जहन्नुम के मुस्तहिक करार पाएं। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो कोई काले इल्म की अमलियात करता है, वो शरीयत के दायरे से बाहर हो जाता है, और शैतान का तवाज़ुल से मकसद ही यही है कि वो इंसान को राह हक से दूर करे
और कुफ्र शिर्क के अंदर मुब्तला करके इसको जहन्नुम के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नफ्स व शैतान के शर से महफूज फरमाए और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।